इस ब्लॉग में आप लोगों को ऐसे एक बाइक के बारे में अनटोल्ड मिस्टेक बताऊंगा, जो मिस्टेक बहुत सारा लोग करता है और उसके बाद एक बहुत ही मतलब मोटा खर्चा हो जाता है बाइक में। डिस्क वेरिएंट जो बाइक है उन बाइक के लिए एप्लीकेबल होगा। 200-300 रुपये के लिए आप लोग 2-2.5 हज़ार का नुकसान मत कीजिए गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस। और आज का जो ब्लॉग बहुत ही छोटा सा ब्लॉग होगा। इस ब्लॉग में आप लोगों को ऐसे एक बाइक के बारे में अनटोल्ड मिस्टेक बताऊंगा, जो मिस्टेक बहुत सारा लोग करता है और उसके बाद एक बहुत ही मतलब मोटा खर्चा हो जाता है बाइक में। और जो मिस्टेक मैंने भी प्रैक्टिकली किया और आप लोगों को आज इस वो जो मिस्टेक है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि आप लोग आगे जाके वो मिस्टेक ना करें और आप लोगों का जो मोटा खर्चा है वो ना हो जाए। तो इसके लिए आप लोग जरूर इन तक ब्लॉग देखना। आई होप आप लोगों को ब्लॉग हेल्पफुल लगेगा। सो गाइस, यहाँ पर मेरा बाइक देख सकते हो और ये जो वीडियो है ये हर एक डिस्क वेरिएंट जो बाइक है उन बाइक के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर मेरा फ्रंट डिस्क देख सकते हो जो 280mm का डिस्क ब्रेक है। और मेरा बाइक अभी 4 साल हो गया, अभी भी ये जो डिस्क प्लेट है बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। डिस्क प्लेट का आप लोग डिस्क प्लेट देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा है अभी तक। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा। मेरा जो रियर डिस्क है गाइस, रियर डिस्क आप लोग देख सकते हो एकदम घिस गया गाइस। रियर डिस्क का हालत देख सकते हो अभी, इसमें मतलब ब्रेकिंग फीडबैक एकदम मतलब ख़त्म हो गया है। ब्रेकिंग जो पावर है, ब्रेकिंग जो बाइट है ब्रेकिंग का, वो एकदम मतलब सही नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हुआ और मिस्टेक क्या किया और सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ अभी आप लोगों को बताऊंगा गाइस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो मेरा डिस्क पैड है, डिस्क पैड मैंने अभी फ़िलहाल चेंज किया, लेकिन मिस्टेक क्या किया गाइस, एक साल पहले मैंने मेरा डिस्क पैड वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने वैसे ही कुछ महीना वैसे ही चलाया, मतलब थोड़ा कंजूसी किया और उसके कारण चलाने के बाद मतलब मेरा जो डिस्क ब्लेड है गाइस पूरा घिस गया गाइस, पतला सा हो गया। देखो गाइस पतला हो गया और यहाँ पर मतलब ऐसे पकड़ने से ना स्मूथनेस फील नहीं हो रहा है, मतलब थोड़ा उबर खबर हो गया इस ये जो लाइन है, ठीक है। तो एकदम बहुत ही मतलब डैमेज हो गया मेरा डिस्क ब्लेड और मतलब अभी मेरा बाइक में मोटा खर्चा आने वाला है। तो गाइस आप लोगों को यही बताऊंगा गाइस, यहाँ पर मेरा डिस्क पैड मतलब 200-300 रुपये के लिए गाइस मेरा जो डिस्क प्लेट है गाइस 2-2.5 हज़ार का अभी नुकसान हो गया। तो 200-300 रुपये के लिए आप लोग 2-2.5 हज़ार का नुकसान मत कीजिए गाइस। आप लोग टाइम टू टाइम सर्विसिंग में हर एक सर्विसिंग में आप लोग जो डिस्क पैड है वो चेक करो। डिस्क पैड ख़राब हो गया तो टाइम टू टाइम आप लोग चेंज करो गाइस, नहीं तो मेरे जैसा हालत हो जाएगा। यहाँ पर खुद आप लोग देख ही सकते हो डिस्प्ले एकदम पतला हो गया। और आप लोगों को बताऊंगा गाइस, ऐसे पतला होने के बाद आप लोग जितना भी नया डिस्प्ले डालो गाइस, आप लोगों का ब्रेकिंग फीडबैक पहले जैसा नहीं होने वाला है, एकदम ब्रेकिंग फीडबैक मतलब ड्रॉप हो जाएगा। तो गाइस ऐसे मिस्टेक मत कीजिए गाइस, मेरे जैसा मिस्टेक करोगे तो मोटा खर्चा आ जाएगा आप लोगों का बाइक में। तो टाइम टू टाइम गाइस डिस्प्ले चेंज करो। तो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग गाइस, आप लोगों को सिर्फ जानकारी देना था और जानकारी दे दी आप लोगों को, मतलब कुछ भी कंटेंट में छेड़छाड़ नहीं किया, जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ वही आप लोगों को बताया गाइस, ठीक है। तो टाइम टू टाइम गाइस डिस्क पैड को चेक कर लेना, उसको ख़राब होने से चेंज कर लेना तुरंत। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। स्टे सेफ, एंजॉय गाइस। और आप लोगों को अगर मेरा जो ब्लॉग है वो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।